आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नीट रिवीजन सीरीज। बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि नीट एग्जाम के लिए अगर एनसीईआरटी प्रिपरेशन हो गया है तो उसका असेसमेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैंने स्टूडेंट से, बहुत सारे स्टूडेंट से फीडबैक लिया था। उसके बाद मुझे लगा कि इस तरह की एक सीरीज स्टार्ट करना चाहिए जिससे स्टूडेंट का टाइम भी कम वेस्ट हो और ऐसे रैपिडली कभी भी वो रिवाइज कर सकें। तो ये नीट रिवीजन सीरीज है, इसमें हम चैप्टर वाइज कई लेवल बना रखे हैं। इसमें 20 25 30 30 क्वेश्चन ऐसे हम डिस्कस करेंगे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, तो उसमें कई लेवल हमने बना दिया है। और आपको जब भी टाइम मिले यूट्यूब पे ये वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि आप आकर के इस तरह के चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं 10-15 मिनट में। ठीक है, तो आज हम लोग, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इसमें आप खुद क्वेश्चन देख के आंसर सोच सकते हैं, दिमाग में आएगा कि क्या आंसर होना चाहिए, और फिर आप करेक्ट आंसर भी हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका पार्ट ए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अब देखिए, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। जैसे क्वेश्चन है, रिस्पायरेशन इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट आर द प्रोसेस। तो रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप एयर अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहा जाता है। फिर आप जो अल्वियोलाई के अंदर गैस एक्सचेंज होता है, और उसके बाद आप एक्सपायरेशन करते हैं। तो ये तीन प्रोसेस है, इंस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेड एंड एक्सपायरेशन। तो करेक्ट आंसर इसमें ए होना चाहिए, वन होना चाहिए। लेट्स सी क्या है आंसर। देखिए करेक्ट आंसर वन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग इज कैरिड टू द हार्ट बाई। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती हैं उसको आर्टरी कहते हैं, और वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले आती हैं उसको वेन्स कहते हैं। तो कह रहा है कि लंग से ब्लड को हार्ट में ले आने वाले कौन सा स्ट्रक्चर, तो करेक्ट आंसर होगा पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि लंग से आ रही है। आपको पता है कि फोर पल्मोनरी वेन्स होती हैं, टू वेन फ्रॉम ईच लंग, और ये लेफ्ट एट्रियम में आके ओपन होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पल्मोनरी वेन। देखिए सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मैमल वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स आर गवर्न बाय। तो आप जानते हैं कि जो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। उसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल मेनली इन्वॉल्व होता है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए डायाफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल। ऐसा ऑप्शन में फोर में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा फोर, बिल्कुल सही है। इन बर्ड्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इवन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब आप एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन करते हैं उस समय नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बात समझना है कि बर्ड्स में अल्वियोलाई में एयर सैक, लंग्स में एयर सैक्स होते हैं जिसके अंदर हवा भरी होती है। तो जब वो एक्सपायरेशन भी करते रहते हैं उस दौरान भी उनमें गैसे एक्सचेंज होता रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स। तो करेक्ट आंसर होगा एयर सैक्स। देखिए बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक न्यूमेटिक बोन लिखा है, इसका मतलब क्या है? न्यूमेटिक बोन बेसिकली बोन्स के अंदर बोन मैरो नहीं होते हैं, उसकी जगह हवा भरी रहती है, तो उनको उड़ने में आसानी मिलता है। तो ये बेसिकली न्यूमेटिक बोन मतलब कि बोन विदाउट बोन मैरो, और एयर फिल्ड बोन को हम लोग न्यूमेटिक बोन कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए एडम एप्पल करस्पॉन्ड टू। एडम एप्पल बेसिकली क्या होता है कि जो आप जानते हैं थायराइड कार्टिलेज जो लारिंग्स की है वो ओवरग्रोन कर जाती है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन, और जिसकी वजह से मेल में थोड़ा सा प्रोट्यूबरेंस स्ट्रक्चर निकला होता है, इसको एडम एप्पल कहते हैं। तो वो बेसिकली लारिंग्स के कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज की वजह से है। अब यहाँ पे एक थायराइड लिखा है, तो थायराइड का मतलब ये थायराइड ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर लैरिंग्स होना चाहिए। स्टूडेंट कंफ्यूज करके थायराइड लगा देते जो कि गलत हो जाता, थायराइड से रिलेशन नहीं है ये, किसका, लैरिंग्स में जो थायराइड कार्टिलेज है उससे रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा थ्री, देखिए बिल्कुल सही है। इन ह्यूमन बींग्स रिब केज एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग। अब देखो, ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होता है, एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अंदर का प्रेशर कम होता है जिससे कि अंदर एयर जाती है। तो उसमें क्या होगा कि स्टर्नम, उसमें डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड होता है, और ऐसा होने से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एयर अंदर आती है।
तो इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये जो प्रोसेस बता रहा है स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब इंस्पायरेशन को बता रहा है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए 4। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपायरेशन इन्वॉल्व, देखो इंस्पायरेशन में डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे जिससे स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड गया था। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि यही दोनों मसल रिलैक्स होते हैं जिससे स्टर्नम इनवर्ड एंड डाउनवर्ड जाएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल, जिससे कि एक्सपायरेशन प्रोसेस होगा, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएंगे, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा जिससे एयर निकल के बाहर जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 1। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग देखिए आंसर टिक हो गया, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एयर पैसेज इनटू लंग्स ड्यू टू, देखिए इंस्पायरेशन में एयर अंदर इसीलिए आती है कि थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो अंदर का प्रेशर कम होता है जिससे बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर अधिक होने की वजह से आपके लंग्स में आसानी से एयर आ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड फॉल इन लंग प्रेशर। अच्छा, ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ, एक हेल्दी ह्यूमन जो ब्रीथ करता है 12 से 16 बार, सबको पता है, और अगर यही न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उसमें करीब 32 टाइम्स पर मिनट होगा, चाइल्ड में थोड़ा सा होता है 26 पर मिनट, तो आप कह सकते हैं ब्रीदिंग रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज, जितनी बॉडी साइज छोटी होगी उतना ब्रीदिंग रेट अधिक होगा, और इसीलिए एडल्ट में 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होता है, और यही मान लीजिए 20-22 से अधिक होने लगे तो उसको हाइपर वेंटिलेशन कहेंगे, यानी कि ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है। इन एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ मसल्स पायरविक एसिड इज चेंज इनटू, देखिए एनएरोबिक रिस्पायरेशन होने से पायरविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड से एटीपी तुरंत नहीं मिल पाती, तो इस वजह से मसल्स थक जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फटीग। अब यहाँ पे लिखा है लैक्टिक एसिड, देखिए तो लैक्टिक एसिड होना चाहिए, और यही लैक्टिक एसिड फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर लीवर और मसल्स इन्वॉल्व होकर के ये बनाते हैं, एक साइकिल चलती है कोरी साइकिल, और फिर वापस उसको लैक्टिक एसिड को पायरविक एसिड में चेंज हो जाता है जिससे एटीपी मिलने लगती है, तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड बनेगा, तो करेक्ट आंसर होगा 4 के सही है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बीच बनाया जाता है, और ये एक नॉर्मल जो ओडीसी कर्व है वो एस शेप का होता है जिसको सिग्मोइड कहा जाता है, तो सिग्मोइड कर्व ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है, तो करेक्ट आंसर इसमें 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक जैसे एक हाइपरबोलिक वर्ड लिखा है, हाइपरबोलिक जो होता है कर्व वो मायोग्लोबिन का होता है, मायोग्लोबिन मसल्स के रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जिनका डिसोसिएशन होता है, तो काफी वो लेफ्ट साइड में चला जाता है तो देखने में हाइपरबोलिक दिखाई देता है, तो याद कर सकते हो मायोग्लोबिन का ओडीसी कैसा होता है हाइपरबोलिक, और जबकि हीमोग्लोबिन का कैसा होगा तो आप कहेंगे सिग्मोइड या एस शेप का। हैमबर्गर फिनोमिनन इज ऑल्सो नोन एज, देखो हैमबर्गर फिनोमिनन को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, दरअसल क्या होता है कि प्लाज्मा के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में जाते हैं, और इसी तरह से आरबीसी से प्लाज्मा में बहुत सारे बाइकार्बोनेट बाहर आते हैं, तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में देखा जाता है, तो हैमबर्गर फिनोमिनन को क्लोराइड शिफ्टिंग कही जाती है जो कि प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ होगा, तो करेक्ट आंसर 4 बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, देखिए CO2 अधिक होने पे क्या होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा जिससे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होकर के ऑक्सीजन रिलीज करेंगी, तो ऐसा होने से कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है, मतलब थोड़ा सा जो सिग्मोइड कर्व है वो राइट की तरफ मूव करता है जो कि डिसोसिएशन को शो करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मूव टुवर्ड्स राइट साइड, क्योंकि CO2 बढ़ने से क्या होगा एसिडिटी बढ़ेगी, कार्बोनिक एसिड बनेंगे तो एच आयन रिलीज होगा, एच आयन रिलीज होने से पीएच कम हो जाएगा, पीएच कम होने से कर्व किधर शिफ्ट करता है राइट साइड में, तो करेक्ट आंसर है मूव टुवर्ड्स राइट, देखिए बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन रीजन फॉर इम्फाइसीमा, देखो इम्फाइसीमा एक लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, बेसिकली ये सिगरेट स्मोकर्स में होता है, क्योंकि सिगरेट स्मोक्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एल्कोहल
पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है जो कि कार्सिनोजेंस होते हैं, इसके अलावा टार होता है जो कि कार्बन के सूट्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है ये लंग में कैंसर भी कर सकता है। अब सिगरेट स्मोक में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अल्फा एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम, एक एंजाइम है जो लंग्स के अल्वियुलर सेप्टल वॉल को बनाने में मदद करती है, उस एंजाइम की कमी कर देते हैं, तो जिससे अल्वियोलाई की सेप्टल वॉल डिजोल्व हो जाती है और फिर अल्वियोलाई का सरफेस एरिया कम होने लगता है, तो गैसे एक्सचेंज में दिक्कत होती है। इसको इम्फाइसीमा कहते हैं। तो इम्फाइसीमा क्रॉनिक सिगरेट स्मोकर्स में होता है क्योंकि उसी की वजह से अल्वियोलाई कोलैप्स करने लगती है। अल्वियोलाई के कोलैप्स होने को एटीलैक्टेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल बी शिफ्ट टू द राइट ऑन डिक्रीज ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एसिडिटी बढ़ती है, जब CO2 बढ़ता है तो कार्बोनिक एसिड बढ़ता है, इसका मतलब एसिडिटी बढ़ रही है, तब जाके शिफ्ट होगा राइट साइड में। अब यहाँ पे डिक्रीज के लिए कह रहा है, तो एसिडिटी बढ़ने पे राइट होता है जबकि कम होने पे नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो इसका मतलब एसिडिटी बढ़ रही है, तो भी राइट साइड शिफ्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी राइट साइड शिफ्ट करेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कम हो, किसके कम होने पे, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर CO2 बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड बढ़ेगी, कार्बोनिक एसिड मतलब एसिडिटी बढ़ना, तो pH 7 से कम होने लगेगा, तो pH जब कम होता है तो ये शो करता है कि ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट करेगा राइट साइड में, जो कि डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर होगा 4, यानी pH डिक्रीज होना, बिल्कुल सही हो गया। एयर इज ब्रीदेड थ्रू, जब आप सांस लेते हैं तो एयर का पैसेज क्या होता है, सभी को पता, इजी क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले नॉस्ट्रिल में आती है एयर, फिर फारिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में और फिर ब्रोंकियोल्स में, तो यही ऑर्डर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा 3, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए, एट हाई एल्टीट्यूड RBC ऑफ ह्यूमन ब्लड विल, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से आपके ब्लड में कम ऑक्सीजन पहुंचता है, तो आपको हाइपोक्सिया या माउंटेन सिकनेस होने लगता है। इस चीज को दूर करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है कि उसमें RBC का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो ब्लड में जब RBC अधिक हो जाते हैं तो लंग्स में जितनी भी ऑक्सीजन आती है उसको ट्रैप करके ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है सडनली कि RBC की संख्या बढ़ने लगती है। अगर आप लैंड पे रह रहे हैं और 1 महीने के लिए चले गए पहाड़ पे रहने के लिए, तो आपके ब्लड में RBC काउंट बढ़ जाएगा, RBC की संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ RBC इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। तो RBC बढ़ने से क्या होगा कि ऑक्सीजन को की ट्रैप करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ RBC, देखिए सही हो गया। इन लंग्स एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेनस ब्लड इज, देखिए यहाँ पे समझना आपको कि लंग्स की अल्वियोलाई और ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं वो एसोसिएट करती हैं। लंग्स की अल्वियोलाई एसोसिएटेड होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम से, और कैपिलरी जो होती है वो बनी होती है ट्यूनिका इंटरना से, जो कि इंडोथीलियम होता है। तो आप कह सकते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम प्लस इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, यही एसोसिएशन होता है, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होते हैं, तो क्योंकि एपिथिलियम है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इस हिसाब से 2 होना चाहिए, लेट्स सी, देखिए करेक्ट आंसर 2 बिल्कुल सही है। वोकल कॉर्ड ऑकर इन, वोकल कॉर्ड से आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि लारिंग्स के अंदर होता है, और एयर जब वाइब्रेट करके उससे बाहर आप एक्सपायरेशन करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है वोकल कॉर्ड, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो करेक्ट आंसर होगा लैरिंग्स, कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें मैच करना है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस किया करिए क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब इसे मैच करना है, लैरिंग्स, लैरिंग्स में वोकल बॉक्स होगा, तो ए का आर देखिए जहां लिखा हुआ है, 2-3 ऑप्शन में है सेकंड को छोड़ के, फिर दूसरा ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, तो बी का एस देख लीजिए, फिर अल्वियोलाई, अल्वियोलाई एयर सैक से रिलेटेड है तो सी का क्यू देख लीजिए, और डी है एपिग्लॉटिस, तो लिड ऑफ लैरिंग्स। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर डी का पी किसमें आएगा, तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में, करेक्ट आंसर यही होना चाहिए, बिल्कुल सही हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है, अब इसमें आंसर आपको देखना है क्या होगा,
अर्थवॉर्म जो है अपने स्किन से सांस लेता है तो क्यूटेनियस इंस्पायरेशन ए का 4 होगा। ह्यूमन जो है लंग से सांस लेता है तो बी का पल्मोनरी बी का 1 होना चाहिए। प्रॉन जो होता है गिल से सांस लेता है तो उसको ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहेंगे, और इंसेक्ट ट्रैकियल होगा। तो बी का 1 अगर आप ध्यान से देखिए तो केवल सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर सेकेंड होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही हो गया। लाइनिंग ऑफ ट्राइकिया इज मेड अप ऑफ, देखिए ट्राइकिया की लाइनिंग स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड एपिथीलियम होती है, क्योंकि देखने में मैनी लेयर होते हैं लेकिन होता सिंगल लेयर है और उसमें सीलिया लगे होते हैं, तो उसको स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड यानी फॉल्स मैनी लेयर कहा जाता है और सिलिएटेड होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड एपिथीलियम। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियोल्स, देखिए ब्रोंकियोल्स की लाइनिंग जो होती है थोड़ी कॉलुमनर सेल्स होते हैं और साथ ही साथ सीलिएटेड होते हैं, तो यहाँ पे कॉलुमनर सीलिएटेड कॉलुमनर सही होगा, स्यूडो स्ट्राटिफाइड यहाँ नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है कॉलुमनर सीलिएटेड होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर 4 होगा यहाँ पे। इस तरह से हम लोग पार्ट ए कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट्स, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कम समय में आप कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, फिर पार्ट बी कर लेंगे और फिर इसी तरह अलग अलग चैप्टर्स के करेंगे, फिर एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन का बनाएंगे, और फिर इससे आपका एनसीईआरटी क्लियर होती जाएगी। तो पर डे आपको यूट्यूब पे हमारा ये वीडियो लेक्चर देखना है, आप यूट्यूब पे जाके स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लो। उससे क्या होगा कि पर डे जो भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के पेपर्स हैं वो आपको वहाँ मिलेंगे और बहुत इफेक्टिव होंगे। जब भी टाइम मिले तो आप 10 मिनट उसको देख सकते हैं, आपका रिविजन होगा। तो ये बेस्ट मेथड है रिविजन करने का। इसी तरह से हम लोग आगे और देखते रहेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।